पहले एक टिशू लेना है, उसके ऊपर सभी रेनकुलस को रखना है। ठीक है, थोड़े पास में, पास पास मतलब थोड़ा दूर दूर ही जाओ ताकि स्प्राउटिंग सब में है। रखने के बाद पानी वाली स्प्रे की मदद से इसके ऊपर स्प्रे करना है, इसको गीला करना है पूरा। ठीक है, गीला करने के बाद इस टिशू को मोड़ दो। मोड़ने के बाद इसके ऊपर फिर से स्प्रे करनी है। स्प्रे ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मली स्प्रे करना है पूरा गीला, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बल्ब सड़ जाएंगे। और उसके बाद एक सूखा टिशू लेके इसके ऊपर सेम इसको ऐसे लपेटना है। लपेटने के बाद एयर टाइट बॉक्स लेना है जिसके अंदर हवा ना आती हो, उस बॉक्स के अंदर इसको ऐसे ही रख देना है। ये एयर टाइट बॉक्स है, इसके अंदर इसको ऐसे रख देंगे और ढक्कन को कवर कर देंगे। दो से तीन दिन बाद हम इसको निकाल के देखेंगे और ये आपको बिल्कुल इस तरह की स्प्राउटिंग नज़र आएगी और हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने का मैं एक और वीडियो आपको देता हूँ कैसे निकालना है। बड़ा रेनकुलस अपने जो हमने बना रखे थे, देखिए इस तरह का ये बल्ब आपका कुछ दिनों में ये रूट्स निकल गई है इस बल्ब की, और ये जो है ऊपर ये देखो इसकी लीव्स है, ये स्टेम निकल रही है इसकी, और इसको डायरेक्टली आपको ऐसे ही मिट्टी के अंदर प्लेस कर देना है। डायरेक्टली ऐसे लगाना है मिट्टी, बस यहाँ तक भर के आप रेनकुलस लगा दो, ये प्लांट आपका स्प्राउटिंग करेगा और बहुत अच्छा करेगा। बल्ब को देखो कितना प्यारा हो चुका है, कितनी अच्छी रूट्स निकली है, बिल्कुल बढ़िया है। कुछ दिनों बाद आपका जो बल्ब होगा वो इस तरह का हो जाएगा। आपको क्या करना है, आराम से इसको निकालना है, पहले धीरे से निकालेगा कि जड़ ना टूट जाए, आराम से जल्दबाजी नहीं करना। ये देखो ये रेड है, आप टैगिंग भी कर सकते हो, हमने टैगिंग कर रखी है, रेड वाइट हमने रेड खोला है। इसको आराम से खोलना है धीरे धीरे, रूट्स का ध्यान रखना है आपको, रूट्स और स्टेम ना टूट जाए। ठीक है, तो इसको आराम से आपने खोलना है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। पहले नीचे वाला हम ये निकालेंगे, ये निकल जाएगा हमारा, देखिए कितनी प्यारी स्प्राउटिंग हो रखी है इसकी। एक बार वाटरिंग करने के बाद आप एक दो दिन में इसको चेक कर लो कि निकला कि नहीं निकला, बट वाटरिंग फिर मत करना एक बार वाटरिंग करने के बाद, बार बार वाटरिंग करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, गल जाएगा। देखो कितनी प्यारी रूट्स बन रही है, नीचे तक रूट्स आ रही है इसकी, और हमने इसको आराम से निकालना है। इस मेथड से आप किसी भी सीड्स को, किसी भी फ्लावर बल्ब्स जो आपको आसानी से ना जमता हो उसको आप कर सकते हो, 110% इसका रिज़ल्ट है ये निकलेगा। अगर आपको बाई चांस कभी इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे फंगी लग रही है, तो आप उसके अंदर वेबिस्टेन का पाउडर जो होता है उसको स्प्रे कर सकते हो या उसको छिड़क सकते हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, फंगी भी नहीं आएगा फिर उसके अंदर, और बल्ब्स भी आपका हेल्थी रहेगा। अब जैसा कि ये देखिए, ये मैंने इसका निकाल लिया, ये रेड कलर था हमारा, और ये सारे रेनकुलस कितने प्यारे स्प्राउटिंग हो रखी है, ये देखिए सारे रेनकुलस जर्मिनेट कर चुके हैं, A to Z, एक भी ऐसा नहीं है जो ना जर्मिनेट किया हो। ये देखिए कितने प्यारे रेनकुलस जर्मिनेट हुए हैं। लोग कहते हैं रेनकुलस लगती नहीं है, और ये एक बल्ब अप्रोक्स आपके इसके अंदर कम से कम नहीं भी तो 7 to 8 फ्लावर्स होंगे। ये देखिए बल्ब्स के साइज, तीन टहनी निकल रही है, तीन चार चार टहनियाँ निकल रही है, और कुछ दिन इसको और हम छोड़ते थे और भी निकलता। ये देखिए एक में चार चार निकल रही हैं, यानी चार पौधे ये तैयार करेगा, एक पौधे में कम से कम अप्रॉक्स फूल आते ही रहते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी स्प्राउटिंग हो रखी है इन सब की। इसी तरह आपने करना है,
पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, कोई दूसरा पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना आपने। डायरेक्ट अब इसको मिट्टी के अंदर लगा देना है। मिट्टी के अंदर मिट्टी तैयार करने का आपको प्रोसेस मैं एक और वीडियो दे दूँगा कि मिट्टी कैसे तैयार करें, और फिर आप ये बल्ब्स को ईजिली लगा सकते हैं। ये देखिए प्यार से मैंने सारे बल्ब्स खोल लिए हैं। अपना टिश्यू यहाँ से सेपरेट करेंगे हम लोग, इसको साइड में रखेंगे। अब ये देखिए हमारे सारे रेनानकुलस स्प्राउटेड है। ये देखिए कितने प्यारे स्प्राउटिंग्स हो रखी है रेनानकुलस के अंदर। ये देखिए सारे में स्प्राउटिंग है। ये बिल्कुल आपका 3 दिन के अंदर का रिजल्ट है। 3 से 4 दिन के अंदर ये आपका इस तरह का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे रेनानकुलस को हम लोग लगाते हैं तो 15 से 20 दिन हमारे मिट्टी में निकलने में लगता है, और उसमें भी कुछ बल्ब्स जो होते हैं वो सारे के सारे गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होते। बट ये देखिए इस मेथड से हमने सारे रेनानकुलस जर्मिनेट करे हैं, और सारे के सारे रेनानकुलस आपके जर्मिनेटेड हुए हैं। ऐसा एक भी रेनानकुलस ना हो जो जर्मिनेट हो गया हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर आपका कोई फंगी वगैरह का कुछ ऐसा भी इशू नहीं है। देखो कोई भी फंगी वगैरह कुछ लगी नहीं है इसके अंदर, किसी भी तरह का कोई फंगी वगैरह अटैक नहीं आया, कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं आया, प्रॉपर रूटेड है। अब इसको वेल हमने पॉट में डालना है बस, और ये फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाएगा।